आप देख सकते हैं आज का हमारा रेसिपी है नमक पारे रेसिपी। इसके लिए मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया है और ये गुनगुना पानी एक ग्लास ले लिया है और ये कुछ मसाले हैं वो यूँ हैं, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन और 1/2 टेबल स्पून मंगरेला और इसे क्लौंजी भी कहते हैं और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ये एक ग्लास गुनगुना पानी है और कुकिंग ऑयल। अब इन सब सामान को आटे के अंदर डालकर हम मिक्स करेंगे। तो पहले आटा लेंगे और इसके अंदर आप चाहें तो अजवाइन सिर्फ डाल सकते हैं या आप चाहें तो सिर्फ क्रौंजी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो मिक्स करके भी डाल सकते हैं। ये इन सारे इंग्रेडिएंट को इसके अंदर डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। इसके अंदर इतना डालें कि हमारा आटा जो है मुट्ठी बन जाए और आप इसे अच्छे से मिक्स करें। ऑयल से ही हमारे नमक पारे में करारापन जो आएगा और क्रिस्पीपन ऑयल से ही आएंगे। इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स करें। आप देख सकते हैं कि मैं इसे किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से इसे बनाएं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ऑयल कितना डालना है, तो आप पहले थोड़ा सा ऑयल डालें उसके बाद उसे मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इसे यूँ मुट्ठी बांधे तो ये बन जाएगा, टूटेंगे नहीं बिखरेंगे नहीं। तो आप समझ लें कि हमारा ऑयल परफेक्ट है। अगर वो टूट के बिखर रहे हैं तो आप इस स्टेज पर थोड़ा सा ऑयल और ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जब मिक्स हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करना है। एकदम डायरेक्ट पानी ना डालें क्योंकि हमें इसका डो सख्त गूंदना है, नरम नहीं गूंदना, सख्त करता। नमक पारे के जो आटे होते हैं उसको सख्त गूंदा जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और उसे अच्छी तरीके से गूंद लें, टाइट डो बना लें। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना सख्त आटा मैंने गूंदा है। बिल्कुल ही सख्त गूंदा हुआ है, इसी तरीके से आपको गूंदना है। और ये देखिए मैंने एक ग्लास पानी लिया था, इसमें से 1/2 ग्लास पानी बच गया है। तो आप इसे कोशिश करें कि सख्त ही गूंदें और उसके बाद इसे ढककर से कवर करके रख दें आधा घंटा के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप 1 घंटा के लिए रख दिए। रखने से क्या होता है, इसका क्रिस्पनेस जो होता है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आधे घंटे के बाद। तो आधा घंटा हो चुका है, इसे हम खोल के देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा आटा का डो और इसे 5 मिनट तक आप इसे अच्छी तरीके से गूंद लें। क्योंकि ये सख्त है तो थोड़ा दिक्कत होता है बट खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए इसे हम बेल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने आटा ले लिया, इसे मैं 3 पार्ट में कट कर दूंगी। डो बना लेते हैं और इसे बेल लेंगे और ये बेलन लेंगे, हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे
ताकि हमारा चिपके नहीं। इस तरीके से ऐसे पतला सा बेल लेंगे। तो आप ये देखें, मैंने इसे इसी तरीके से बेल लिया है बिल्कुल पतला करके। तो आप भी इसी तरीके से पतला करके बेल लें और इसे जैसा शेप जो है आप वैसा इस तरीके से कट कर लें। उठा लेंगे इस तरीके से। और हमारा ये ऑयल गर्म हो रहा है, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसे चेक कर लेंगे। एक चीज़ डालेंगे और वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। तो हमें इतने ही गर्म चाहिए और इसी तरीके का चाहिए, ज़्यादा हॉट गर्म नहीं चाहिए। तो वो हमारे नमक तारे जल जाएंगे और वो ठीक से पकेंगे। इसलिए आप तेल को पहले हाई कर लें, उसके बाद जब फ्राई करने जाएँ तब आप लो मीडियम पर कर लें। ये आप देख सकते हैं कि इसे मैंने सारे उठा के इसमें डाल दिए और वो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी। इस तरह से करेंगे तो वो अलग अलग सारे हो जाएंगे अपने आप ही। और इसे हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट ब्राउन करेंगे और ये ठंडा होने के बाद अपने आप ही थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान दें कि इसे हम लाइट ब्राउन ही रखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारे अलग अलग हो चुके हैं। और गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है, हाई फ्लेम पे नहीं है, लो फ्लेम पे भी नहीं है, मीडियम फ्लेम पे। आप इसे चला चला के अच्छे तरीके से पका लें। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकालेंगे, लाइट ही ब्राउन रखेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। ठंडा होने के बाद अपने आप ही थोड़ा डार्क और हो जाएगा। तो बस इसे निकाल लेंगे। ये देखें, बाकी का बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा झटपट बन गए नमक पारे रेडी है। ये मैंने 500 ग्राम आटा था। मैं इसके आपके करारेपन सुना देती हूँ, बहुत ही करारा और बहुत ही क्रिस्पी बना है ये। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, इतना अंदर से खास सा बना है। इसके टूटने की आवाज़ सुन सकते हैं, खास्ता एकदम
एकदम क्रिस्पी और ये बिल्कुल करारा बना है। आप इसे ठंडा कर लें और उसके बाद कोई एयर टाइट बिल्कुल सूखा ड्राई डब्बा हो उसके ऊपर, उसमें आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं स्टोर करके। आप इसे एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। आप इसे शाम के वक्त नाश्तों में, सुबह नाश्ता में चाय के साथ टी टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही आसान। और देखिए कितना सारा बन के रेडी हुआ है। ये हमारा सिर्फ आधा किलो आटा का बना है। आप घर में बनाएं, झटपट बनाएं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें।